हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज बनाऊंगी बीटेड ब्रेसलेट, जो बहुत ज़्यादा सुंदर बनने वाला है और बनाना थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करोगे तो आप इसको इजीली बना लोगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए आई पिन और ब्लैक कलर के बीट्स। तो फर्स्टली हम ब्लैक कलर के बीट्स के होल में से ये आई पिन को इंसर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम दूसरे वाली आई पिन को इंसर्ट कर लेंगे। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे हमें पूरी एक लंबी चैन बना लेनी है। एंड ये पूरी यहाँ पे हम पूरे जो है ब्लैक कलर के बीट्स ही यूज़ करने वाले हैं, कोई भी दूसरे कलर के बीट्स को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो वन बाय वन ऐसे बीट्स को इंसर्ट करते हुए ये पूरी चैन हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इसकी दूसरी प्रोसेस के लिए। तो दूसरी प्रोसेस में हमें क्या करना है, जब ये पूरी चैन हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी, हमें एक तो यहाँ पे लेना है हुक और एक जंप रिंग। तो जंप रिंग में पहले हुक को इंसर्ट करके और लास्ट वाले जो पार्ट है इस चैन का, वहाँ पे हुक को और इस चैन को इस जंप रिंग में इंसर्ट कर देना है प्रॉपरली। तो ये वाला काम हम एक साइड की तरफ करेंगे, यानी कि चैन के एक वाले एंड पे हम ये वाला काम करेंगे और दूसरे वाले एंड पे हमें चैन और जंप रिंग को अटैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, उसमें एक जंप रिंग को अटैच कर देंगे कुछ इस तरह जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया था। फिर उसी चैन और जंप रिंग को हमें दूसरे वाले, यानी कि जो दूसरी एंड होगी चैन की, उसमें यहाँ पे अटैच कर देना है। तो एक तरफ तो हमने जंप रिंग अटैच किया हुक के साथ और एक तरफ हम यहाँ पर चैन अटैच कर देंगे। चैन के साथ हमें यहाँ पर दो तीन कड़ियाँ जंप रिंग की लेनी है और उनको भी अच्छे से अटैच कर देना है। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हम यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बीटेड ब्रेसलेट का यहाँ पे लुक बना सकें। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट प्रोसेस करनी है। उसके बाद उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लेना है, जो छोटे वाली हेड पिन होती है ना, वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो छोटे वाली हेड पिन को हमें फिर से ब्लैक वाले बीट में इंसर्ट करके वहाँ पे जंप रिंग अटैच करना है। वो चैन जो हमने अभी अभी अटैच की थी उसमें से इस बीट को अच्छे से इंसर्ट कर देना है। तो ये दोनों चैन में हमें एक कैसे ही बीट को इंसर्ट कर देना है। एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था और एक मैं अभी कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनके तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।